Welcome to my class. In this particular video lecture, we will talk about loan rescheduling. This is part 2. इस part 2 के अंदर हम loan के reschedule की बात करेंगे, जिसके अंदर हम total amount को calculate करेंगे with garbage cleaning. तो आइएगा इस loan rescheduling के question को take up करते हैं. Question के अंदर हमें ये कहा गया है, Mr. X has borrowed rupees 10 lakhs from a bank for a period of 10 years at the rate of 12% per annum to be paid in equal quarterly installment. 10 lakh rupiah Mr. X ne borrow kiya hai 10 saalon ke liye aur wo 12% per annum ke hisab se quarterly installment ki payment karega. It means banker 12% charge karega rate of interest aur ye payment equal quarterly installment ke andar ki jayegi. The terms of the agreement provide that the borrower can exercise any option to reschedule the periodicity of the loan repayment after paying 20 installments. Mr. X agar chahe to 20 installment dene ke baad apni periodicity ko change kar sakta hai. Means wo quarterly se monthly payment kar sakta hai, quarterly se yearly ya jo bhi periodicity usse pasand hai wo usko choose kar sakta hai. Mr. X exercised the option. Mr. X ने इस option को exercise किया and the banker agreed to reschedule the repayment of loan by reducing the interest rate to 10%. Banker ने reschedule के time के ऊपर rate of interest को 10% कर दिया. It means starting में तो banker 12% rate of interest charge कर रहा था, लेकिन 20 installment quarterly pay कर देने के बाद banker ने rate of interest को 10% कर दिया. हमारे को यहाँ पर जो चीजें दी गई हैं उसके अंदर अमाउंट ऑफ लोन है, रेट ऑफ इंटरेस्ट, पीरियड ऑफ रीपेमेंट, पीरियडिसिटी ऑफ पेमेंट और इंस्टॉलमेंट का अमाउंट है. इस क्वेश्चन के अंदर हमें एक जनरलाइज्ड लोन स्टेटमेंट और रीशेड्यूल स्टेटमेंट को प्रिपेयर करना है जो कि इस फॉर्मेट के अंदर होगी. साथ ही साथ हमें इसके अंदर जो भी अमाउंट है उसका टोटल कैलकुलेट करना है, चाहे वो ओपनिंग बैलेंस है या इंटरेस्ट ड्यू है या इंस्टॉलमेंट है या क्लोजिंग बैलेंस है, हमें इन सब का टोटल अमाउंट भी साथ के साथ कैलकुलेट करना है. एक बात का ध्यान रखना है कि हमने गार्बेज क्लीनिंग को भी यहाँ पर इम्प्लीमेंट करना है. तो मैं आपके सामने इन फैक्ट्स को लेके चलता हूँ. 10 लाख का लोन है, 10 साल के लिए है, 12% पर एनम के हिसाब से क्वार्टरली 20 इंस्टॉलमेंट पे की जाएंगी, उसके बाद रीशेड्यूल किया जाएगा 10% के हिसाब से. ऑलरेडी मैंने एक स्ट्रक्चर क्रिएट किया हुआ है, मैं इन फैक्ट्स को इस स्ट्रक्चर के अंदर पहले डाल दूंगा और उसके बाद हम इस क्वेश्चन को करना शुरू करेंगे. सो अमाउंट ऑफ लोन इज रुपीज 10 लाख, दिस इज 10 लाख एंड दिस इज इन रुपीज. रेट ऑफ इंटरेस्ट जो पहली 20 इंस्टॉलमेंट के ऊपर हमें लगना है दैट इज 12% पर एनम. पीरियड टोटल 10 इयर्स है, पीरियडिसिटी यहां पर पीरियडिसिटी को निकालने के लिए मैं पहले एक लिस्ट से ड्रॉप डाउन एरो क्रिएट करूंगा. सो मैंने यहां पे क्लिक किया, आई गो टू डेटा टैब. इन द डेटा टैब आई गो टू डेटा वैलिडेशन. डेटा वैलिडेशन के अंदर अलाउ ड्रॉप डाउन बॉक्स के अंदर मैंने लिस्ट को चूज किया. लिस्ट को चूज करने के बाद मुझे यहां पे सोर्स देना है. सोर्स के अंदर मैंने ये सोर्स दे दिया, यहां पर 1, 2, 4, 12 लिखा है, ये मैंने सोर्स दे दिया. आई से ओके. आप देख रहे हैं कि एक छोटा सा यहां पर एरो बन गया. मैं इस एरो पे क्लिक करता हूं. नाउ आई कैन चूज एनी ऑफ द मंथ. मैं इसके फॉन्ट साइज को इंक्रीज कर देता हूं. नाउ आई कैन चूज एनी ऑफ द पीरियडिसिटी. 4 रेफर्स टू क्वार्टरली, 1 रेफर्स टू इट इज ईयरली, और अगर मैं 12 पे चला जाता हूं तो ये मंथली है. अब मुझे यहां पर ईयरली चाहिए, क्वार्टरली या मंथली या हाफ ईयरली मुझे देना है. अगर तो 4 है तो यहां पर क्वार्टरली आ जाए, अगर यहां पर 1 है तो यहां पर ईयरली आ जाए. इसके लिए मैं यहां पर वी लुकअप के फंक्शन को टेकअप करूंगा. वी लुकअप,
वी लुकअप के अंदर सबसे पहली बात पैरामीटर कहा गया है लुकअप वैल्यू क्या है। ये हमारी लुकअप वैल्यू है वी फोर के अंदर, इस वैल्यू को देखो। सेकेंड पैरामीटर है टेबल एरे। टेबल एरे मीन्स टेबल के अंदर जो डेटा दिया गया है वो कहां पर है। मैं इस वैल्यू को इस टेबल के अंदर देखूंगा E22F5। इस टेबल के अंदर नेक्स्ट इज कॉलम इंडेक्स नंबर, आप कौन से कॉलम को देखना चाहते हैं। ये पहला कॉलम है और ये दूसरा कॉलम है, मैं दूसरे कॉलम को देखना चाहता हूं। इसके बाद क्या अप्रॉक्सीमेट मैच चाहिए या एग्जैक्ट मैच चाहिए, मुझे एग्जैक्ट मैच चाहिए। तो मैंने एग्जैक्ट मैच पे क्लिक कर दिया, या मैं यहां पर जीरो भी लिख सकता था, तो यहां पर फॉल्स आ गया। पेरेंथेसिस क्लोज, आई प्रेस एंटर, चार के सामने क्वार्टर लिखा आ गया। अगर मैं यहां पर वन देता तो ये ईयरली हो जाता, अगर मैं इस एरो को चेंज करके 12 करता तो ये मंथली था, और अगर मैंने इसको 2 पे कर दिया तो ये हाफ ईयरली है। मैं इसको 4 पे लेके आ रहा हूं ताकि ये क्वार्टरली हमारे सामने रहे। इसके बाद मुझे इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट को कैलकुलेट करना है। मुझे पता है कि एनुअल इंटरेस्ट 12% है, क्वार्टरली निकालना होगा तो इस एनुअल इंटरेस्ट को मैं 4 से डिवाइड करूंगा। सो यहां पर इक्वल्स टू B2 डिवाइडेड बाय B4। आई प्रेस एंटर, मेरे पास क्वार्टरली यहां पर रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गया। दिस इज क्वार्टरली रेट ऑफ इंटरेस्ट, दैट इज 3%। बहुत सिंपल सी इक्वेशन है, 12% साल का है तो एक क्वार्टर का 3% रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारे पास आ गया। अब यहां पर इफेक्टिव नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट, हमारी टोटल इंस्टॉलमेंट कितनी होगी। हमारे पास पीरियड दिया गया है 10 ईयर्स का, मैं यहां पर इक्वल्स टू 10 ईयर्स करता हूं मल्टीप्लाइड बाय जितनी मेरी क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट है, दैट इज B4। आई प्रेस एंटर, अगर मैं सारे लोन की रिपेमेंट क्वार्टरली करूंगा तो 10 साल के अंदर टोटल इंस्टॉलमेंट जो मुझे पे करनी होगी दैट इज 40। अब मैं इस क्वेश्चन को दो पार्ट के अंदर डिवाइड कर दूंगा। बिफोर रीशेड्यूलिंग इसको हम बोलेंगे Phase 1, एंड द सेकेंड पार्ट इज आफ्टर रीशेड्यूलिंग इसको हम बोलेंगे Phase 2। सबसे पहले मैं Phase 1 को टेकअप करूंगा और आपके सामने इसको एक्सप्लेन करूंगा। Phase 1 के अंदर इनिशियली तो मैं देखता हूं कि हमारे पास 12% रेट ऑफ इंटरेस्ट है, मैं यहां पर दे देता हूं दिस इज पर एनम। पीरियड जो हमें दिया गया है, पहले 20 इंस्टॉलमेंट क्वार्टरली होंगी तो ये 5 साल का पीरियड बन जाता है। मैंने मैन्युअली लिख दिया कि ये 5 साल का पीरियड बन जाता है, दिस इज ईयर्स। पीरियडिसिटी, इनिशियली तो हमने क्वार्टरली पे करना है और ये हम मंथली भी पे कर सकते हैं या हम इसको हाफ ईयरली भी पे कर सकते हैं, लेकिन जैसे क्वेश्चन के अंदर कहा गया है कि आपको क्वार्टरली पे करना है तो मैं एक बारी यहां पर क्वार्टरली को लाने के लिए पहले मैं इन सिंबल्स को लेके आऊंगा, और सिंबल्स को लाने के लिए मैंने यहां पे क्लिक किया एंड आई गो टू डेटा टैब। डेटा टैब के अंदर मैं डेटा वैलिडेशन में जाता हूं और डेटा वैलिडेशन के अंदर जाके मैंने लिस्ट कमांड को चूज किया। सोर्स के अंदर मैंने ये सिंबल्स दे दिए, आई से ओके। जैसे ही मैंने ओके किया एक ड्रॉप डाउन एरो यहां पर आ गया और मैं अब इन वैल्यूज को यहां पर टेकअप कर सकता हूं। मैं कोई भी वैल्यू यहां पर ले सकता हूं, मैं इसका फॉन्ट साइज इंक्रीज कर देता हूं सो दैट इट बिकम्स वेरी मच क्लियर टू यू। 1 के सामने ईयरली आना चाहिए, 4 के सामने क्वार्टरली आना चाहिए, तो मैं इसके लिए यहां पर वी लुकअप के फंक्शन को दोबारा टेकअप करूंगा। इक्वल्स टू वी लुकअप, वी लुकअप, इस वैल्यू को देखो। इस वैल्यू को कहां देखो, इस वैल्यू को इस टेबल के अंदर देखो। इस टेबल के अंदर कौन सा कॉलम देखना है, सेकंड कॉलम को देखो कॉमा। इसके बाद मुझे एग्जैक्ट मैच चाहिए तो मैंने एग्जैक्ट मैच पे क्लिक कर दिया, या मैं जीरो भी लिख सकता हूं। आई प्रेस एंटर, मैं देख रहा हूं कि 1 के सामने ईयरली लिखा है और 2 के सामने हाफ ईयरली आ गया और 4 के सामने क्वार्टरली आ गया। इसके बाद मुझे इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट को कैलकुलेट करना है।
जो कि मैं इस तरह से करूंगा, इक्वल्स टू 12% डिवाइडेड बाय 4। मेरे पास यहां पे रेट ऑफ इंटरेस्ट निकल के आ गया। इफेक्टिव नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट हमारे पास कितनी होगी, मैं इसको टेक अप कर रहा हूं और आप देखिएगा। उसको निकालने के लिए मैंने यहां पर इक्वल्स टू B12 मल्टीप्लाइड बाय B13 कर दिया। स्टूडेंट्स इसको देखिएगा, अगर 5 साल है और हम ईयरली पे कर रहे हैं तो 5 इंस्टॉलमेंट है। अगर मैं इसको चेंज करता हूं, 5 साल है और हम हाफ ईयरली पे करते हैं तो मैं 10 इंस्टॉलमेंट के अंदर इसको पे करूंगा। अगर मैंने इसको 4 कर दिया तो ये इंस्टॉलमेंट जो फर्स्ट फेज के अंदर पे की जाएंगी, दैट इज 20। इसके बाद हम फेज 2 की तरफ मूव करेंगे। फेज 1 के अंदर हमारा इनिशियल डेटा सारा आ चुका है। फेज 2 के अंदर रेट ऑफ इंटरेस्ट बैंकर ने रिड्यूस करके 10% कर दिया, तो मैं यहां पर 10% दे देता हूं। दिस इज पर एनम। पीरियड के अंदर अब हमारे पास 5 साल का तो पीरियड फर्स्ट फेज के अंदर चला गया, तो 5 साल का पीरियड और हमारे पास बच गया। मैंने मैन्युअली यहां पे 5 साल दे दिया। इसके बाद पीरियडिसिटी, हम उसी तरह से ये पीरियडिसिटी भी निकालेंगे। तो मैं यहां पर क्लिक करके डेटा टैब के अंदर डेटा वैलिडेशन में जाता हूं और डेटा वैलिडेशन के अंदर अलाउ बॉक्स के अंदर मैंने लिस्ट को चूज किया और सोर्स के अंदर मैंने यही सोर्स दे दिया। आई से ओके। जिस तरह से आपने पिछली 2 बारियों में देखा कि यहां पर आप नंबर को जनरेट कर सकते हो, ये क्वार्टरली है, एनुअली है या ये मंथली है, आप इस तरह से नंबर को यहां पर जनरेट कर सकते हो। इसके फॉन्ट साइज को भी बढ़ा देता हूं। ये जो आपको ग्रीन बॉक्स दिख रहा है, इसके अंदर मुझे क्वार्टरली, ईयरली या मंथली मुझे लेके आना है, तो मैं यहां पर वी लुकअप के फंक्शन को इंप्लीमेंट करूंगा। वी लुकअप, लुकअप वैल्यू, इस वैल्यू को देखो। इस वैल्यू को कहां देखो? इस वैल्यू को टेबल एरे में देखो, जहां पर टेबल के अंदर डेटा दिया गया वहां देखो, ये मेरी टेबल है। इसके बाद इस वैल्यू को किस कॉलम के अंदर देखो, ये फर्स्ट कॉलम है, ये सेकंड कॉलम है, मैं सेकंड कॉलम के अंदर इसको देखूंगा, कॉमा। इसके बाद हमें एग्जैक्ट मैच चाहिए, तो मैंने एग्जैक्ट मैच दे दिया। एक्सेल ने मुझे फॉल्स दिया एग्जैक्ट मैच के लिए। पेरेंथेसिस क्लोज, आई प्रेस एंटर। मेरे पास यहां पर 4 के आगे क्वार्टरली लिखा हुआ आ गया। अगर मैं यहां पर 12 को क्लिक करता हूं तो ये मेरे पास मंथली आ गया। मैं सिंप्लिसिटी से यहां पर 1 ही ले रहा हूं ताकि आपके सामने ईयरली सामने रहे। इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट के लिए इक्वल्स टू, अब ये मैं 10% को डिवाइड करूंगा 1 से। 10% साल का इंटरेस्ट है तो हमारे पास पूरे साल का इंटरेस्ट 10% यहां पर आ गया। पीरियड हमने 5 साल का लिया है और एनुअली पेमेंट करेंगे, ईयरली पेमेंट करेंगे, तो ये हमारे पास इंस्टॉलमेंट भी 5 ही बनेगी। सो मैंने F12 को मल्टीप्लाई किया पीरियडिसिटी के पीरियड के साथ। F12 मल्टीप्लाइड बाय F13, इट कम्स टू 5। अगर मैं इसको चेंज करता हूं, मैंने क्वार्टरली किया तो यहां पर भी 20 आ गया। अगर मैं इसको 12 कर देता हूं तो आप देखेंगे रेट ऑफ इंटरेस्ट चेंज हो रहा है, और 5 साल के लिए अगर अब मैं मंथली इंस्टॉलमेंट को पे करूंगा तो ये 60 इंस्टॉलमेंट्स बन जाएंगी। यहां पर हमारी बेसिक इंफॉर्मेशन कंप्लीट हो जाती है दोनों फेजेस के लिए। अब मैं इस केस के अंदर लोन लीज स्टेटमेंट को प्रिपेयर करने शुरू करूंगा। मैंने इसको 2 हिस्सों के अंदर डिवाइड कर दिया, एक बिफोर रीशेड्यूलिंग और एक आफ्टर रीशेड्यूलिंग। सबसे पहले मैं टेकअप करूंगा लोन लीज स्टेटमेंट बिफोर रीशेड्यूलिंग। तो आइएगा इसको स्टार्ट करते हैं। आपको ये पूरा दिखाई दे सके, मैं इसको ईयरली के अंदर कन्वर्ट कर रहा हूं ताकि इस छोटी सी जगह के अंदर आप इस पूरी चीज को देख सके। उसके बाद जब ये क्वेश्चन हो जाएगा तो मैं इसको क्वार्टरली के अंदर कन्वर्ट कर दूंगा।
सबसे पहले मैं इस पीरियड के अंदर 1 लिख देता हूं, दिस इज द फर्स्ट पीरियड। ओपनिंग बैलेंस के केस के अंदर दिस इज इक्वल्स टू अमाउंट ऑफ लोन, ये हमारा ओपनिंग बैलेंस है। मैंने यहां पर एंटर प्रेस कर दिया, 10 लाख रुपए का अमाउंट यहां पर आ गया। इंटरेस्ट ड्यू, इंटरेस्ट को निकालने के लिए एक्सेल के अंदर एक फंक्शन है आईपीएमटी का, मैं आईपीएमटी के फंक्शन को यहां पर इंप्लीमेंट कर दूंगा। रेट, द रेट इज गिवन टू मी इन द इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट, दैट इज B14। पर किस पीरियड का आप निकालना चाहते हो, मैं फर्स्ट पीरियड का यहां पर निकालना चाहता हूं। इसके बाद नंबर ऑफ पीरियड, नंबर ऑफ पीरियड मींस कितने नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट्स है। नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट के केस के अंदर हमारे पास जो टोटल इंस्टॉलमेंट है मैं उसको टेकअप करूंगा, दैट इज 40। ये टोटल इंस्टॉलमेंट है हमारे पास, तो मैंने यहां पर B6 दे दिया, दिस इज द टोटल नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट्स। प्रेजेंट वैल्यू, प्रेजेंट वैल्यू हमारे पास जितने अमाउंट का लोन है, मैंने ये अमाउंट का लोन भी दे दिया, दिस इज B1। मुझे रिजल्ट पॉजिटिव के अंदर चाहिए तो मैं इसको नेगेटिव सिंबल दे रहा हूं। फ्यूचर के अंदर ये लोन 0 हो जाए जब सारी इंस्टॉलमेंट पे कर दी जाए, और साथ ही साथ मैं ये पेमेंट करूंगा एट द एंड ऑफ द पीरियड, सो 1 more 0। मैं इसको यहां पर पेरेंथेसिस को क्लोज कर रहा हूं एंड आई प्रेस एंटर। मेरे पास 10 लाख के ऊपर 1,20,000 रुपए का इंटरेस्ट आ गया। इसके बाद मुझे इंस्टॉलमेंट को कैलकुलेट करना है, तो इंस्टॉलमेंट को कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास फंक्शन है पीएमटी। पीएमटी के केस के अंदर पहला पैरामीटर है रेट। रेट के अंदर मेरे पास जो दिया गया है दैट इज B14, ये मेरे पास रेट है। उसके साथ नेक्स्ट पैरामीटर है नंबर ऑफ पीरियड। टोटल नंबर ऑफ पीरियड मेरे पास B6 के अंदर है, तो मैंने यहां पर B6 दे दिया, दिस इज द टोटल नंबर ऑफ पीरियड अवेलेबल टू अस। इसके बाद प्रेजेंट वैल्यू है हमारे पास लोन अमाउंट, दैट इज 10 लाख रुपीज, दैट इज द प्रेजेंट वैल्यू। मैं रिजल्ट पॉजिटिव चाहता हूं तो यहां पर मैंने इसको माइनस सिंबल दे दिया। फ्यूचर वैल्यू, लोन रिपे करने के बाद 0 हो जाए और मैं पेमेंट करूंगा एट द एंड ऑफ द पीरियड, सो 1 more 0 एंड आई क्लोज पेरेंथीसिस, आई प्रेस एंटर। मेरे पास इंस्टॉलमेंट का अमाउंट निकल के आ गया 1,21,303 रुपए 63 पैसे। यहां पर अब मुझे क्लोजिंग बैलेंस को लेना है, देन दिस इज वेरी सिंपल, ओपनिंग बैलेंस प्लस इंटरेस्ट माइनस इंस्टॉलमेंट अमाउंट, आई प्रेस एंटर। मेरे पास क्लोजिंग बैलेंस यहां पर आ गया। ये लाइन तो बहुत सिंपल सी थी और हमने बहुत सिंपल तरीके से इसको इंप्लीमेंट किया। सेकेंड लाइन के ऊपर मैं गार्बेज क्लीनिंग को इंप्लीमेंट करूंगा। पीरियड के केस के अंदर हम इफ फंक्शन को यूज करेंगे। इफ A21 इज इक्वल्स टू दिस सेल, एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग में कन्वर्ट कर दिया, तो यहां पर टोटल दे दो, और अगर नहीं है तो चेक करो इफ क्या A21 लेस है, कम है इससे। अगर इससे कम है, इसको मैंने एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग दे दिया, इफ A21 इज लेस देन B15, अगर ये उससे कम है तो A21 के अंदर +1 कर दो, नहीं तो इसको ब्लैंक छोड़ दो। आई एंटर 1 more parenthesis एंड आई प्रेस एंटर। आप स्टूडेंट यहां देख रहे हैं कि यहां पर मेरे पास 2 आ गया। आइएगा इस बात को समझते हैं। अगर A21 के अंदर वैल्यू है 1 इज इक्वल टू B15 के अंदर वैल्यू है 5, क्या 1 5 के बराबर है? आंसर इज नो, 1 5 के बराबर नहीं है। जब 1 5 के बराबर नहीं है तो ट्रू पार्ट टोटल वाला है, इसको एग्जीक्यूट वो नहीं करेगा। अब फॉल्स पार्ट पे आ जाओ। फॉल्स पार्ट के अंदर एक नया इफ शुरू हो रहा है, उस इफ के अंदर हम एक और चीज चेक कर रहे हैं, क्या A21 के अंदर
हमारे को वैल्यू दी गई है 1, क्या ये 1 वैल्यू 5 से कम है? आंसर इज ट्रू, 1 वैल्यू 5 से कम है। अगर ये 1 5 से कम है तो A21 के अंदर एक और ऐड कर दो। तो ये तो बात बड़ी बिल्कुल ट्रू है, 1 5 से कम है, तो सेकेंड इफ के अंदर जब ये ट्रू हो गया तो फर्स्ट पार्ट को एग्जीक्यूट कर दो। फर्स्ट पार्ट हमें ये कह रहा है A21 जिसके अंदर 1 है उसके अंदर 1 को ऐड कर दो, तो एक्सेल ने इसको यहां पर ऐड कर दिया। मेरे पास यहां पर पीरियड के अंदर आ गई वैल्यू 2। अब मुझे ओपनिंग बैलेंस को निकालना है। ओपनिंग बैलेंस को निकालने के लिए मैं इफ फंक्शन को यहां पर टेक अप कर रहा हूं। इफ A22 इज इक्वल्स टू डबल कोट के अंदर टोटल, इफ A22 इज इक्वल्स टू टोटल, अगर तो यहां पर टोटल दिया गया है कॉमा, तो यहां पर सम फंक्शन को इंप्लीमेंट कर दो। सम फंक्शन के अंदर हम यहीं से शुरू होंगे और हम यहीं पर ही रुक जाएंगे पहली बारी। मैं फर्स्ट B21 को एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग के अंदर कन्वर्ट कर रहा हूं कि हमने शुरुआत यहां से करनी है और B21 तक ही हम रुक जाएंगे। मैंने इसको यहां पे पेरेंथेसिस को क्लोज कर दिया कॉमा। इफ A22 इज इक्वल्स टू ब्लैंक, अगर तो ये ब्लैंक है तो इसको ब्लैंक ही छोड़ दो, नहीं तो यहां पर क्लोजिंग बैलेंस दे दो। आई क्लोज द सेकेंड पेरेंथेसिस, आई प्रेस एंटर। स्टूडेंट आप नोट कीजिएगा कि हमारे पास यहां पर क्लोजिंग बैलेंस की फिगर आ गई। मैं एक बार ये चीज आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। अगर तो A22 इस 2 की जगह टोटल लिखा है, इस 2 की जगह अगर टोटल लिखा है तो आप ओपनिंग बैलेंस का सम कर दीजिए, और अगर यहां टोटल नहीं लिखा तो आप इधर फॉल्स वाले पार्ट पे आ जाओ। फॉल्स वाले पार्ट पे एक और चीज को चेक करो, क्या A22 के अंदर टोटल तो नहीं लिखा, क्या यहां पर ब्लैंक है? अगर तो यहां ब्लैंक है तो ओपनिंग बैलेंस भी ब्लैंक छोड़ दो, और अगर यहां ब्लैंक नहीं है तो यहां पर E21 दे दो। हम यहां पर देख रहे हैं कि A22 के अंदर ब्लैंक नहीं है, जब ब्लैंक नहीं है तो यहां पर E21 की वैल्यू दे दो, दैट इज क्लोजिंग बैलेंस। सो एक्सेल ने ओपनिंग बैलेंस के सेकेंड पीरियड के अंदर फर्स्ट पीरियड का क्लोजिंग बैलेंस दे दिया। इसके बाद अब मुझे इंटरेस्ट ड्यू कैलकुलेट करना है, तो मैं इस इंटरेस्ट ड्यू को अब बहुत आसानी से कैलकुलेट कर सकता हूं। इफ A22 इज इक्वल्स टू टोटल, अगर तो ये टोटल है तो यहां पर सम कर दो, सम कर दो C21 से लेके, पहली बारी C21 ही चलेगा, तो यहां पर फर्स्ट वाले C21 को एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग में बदल दिया और सेकेंड वाला रिलेटिव रेफरेंसिंग ही रहेगा। मैंने पेरेंथेसिस को क्लोज कर दिया। उसके बाद एक और इफ, इफ A22 इज इक्वल्स टू ब्लैंक, अगर तो ये ब्लैंक है तो इसको ब्लैंक ही छोड़ दो, नहीं तो यहां पर IPMT का फंक्शन इंप्लीमेंट कर दो। IPMT के फंक्शन के अंदर हमसे पहली बात कही गई है रेट, मुझे रेट यहां पर यह दिया गया है, इसको भी मैं एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग के लिए F4 को प्रेस कर देता हूं। इसके बाद पर इज द पीरियड, किस पीरियड का आप निकालना चाहते हैं? मैं सेकेंड पीरियड का निकालना चाहता हूं, क्योंकि अगली बारी थर्ड पीरियड हो जाएगा, फिर फोर्थ पीरियड हो जाएगा, तो ये तो चेंज होगा। जब ये रेफरेंस चेंज होगा तो मैं इसको रिलेटिव रेफरेंस के लिए रहने दूंगा। इसके बाद हमारे पास आता है नंबर ऑफ पीरियड। नंबर ऑफ पीरियड के केस के अंदर यहां पर हमारे पास जो टोटल नंबर ऑफ पीरियड है दैट इज 40, ये मेरे पास टोटल नंबर ऑफ पीरियड है। B6 मैं एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग के जरिए इसको भी फिक्स कर देता हूं, और इसके बाद हमारे पास लास्ट पॉइंट है दैट इज प्रेजेंट वैल्यू। प्रेजेंट वैल्यू के केस के अंदर जो लोन का अमाउंट हमने लिया है दैट इज B1, दिस इज B1। मैं इस B1 को भी, क्योंकि ये अमाउंट फिक्स रहेगा,
मैं इस B1 को भी एब्सोल्यूट रेफरेंस के लिए F4 को प्रेस कर देता हूँ। नाउ आई क्लोज पेरेंथीसिस फर्स्ट, ये IPMT का पेरेंथीसिस क्लोज किया। सेकेंड पेरेंथीसिस हमने क्लोज किया इस फंक्शन के लिए, और थर्ड हम पेरेंथीसिस को अब क्लोज करेंगे पहले वाले इफ फंक्शन के लिए। आई प्रेस एंटर। जैसे ही मैंने एंटर प्रेस किया, मेरे पास इंटरेस्ट ड्यू का अमाउंट निकल कर आ गया। आप देख रहे हो स्टूडेंट कि ये नेगेटिव के अंदर है, ये नेगेटिव के अंदर है। अगर मैं चाहता हूं कि ये पॉजिटिव साइन के अंदर आए, तो मैं यहां पर एक काम कर सकता हूं, प्रेजेंट वैल्यू को मैं यहां पर नेगेटिव कर दूं। प्रेजेंट वैल्यू को मैंने यहां पर नेगेटिव कर दिया। नाउ आई प्रेस एंटर। आप देख रहे हैं कि ये भी पॉजिटिव वैल्यू के अंदर कन्वर्ट हो गई। इसके बाद अब मैं इंस्टॉलमेंट के ऊपर आऊंगा, और इंस्टॉलमेंट को निकालना आसान है। इफ A22 इज इक्वल्स टू टोटल, अगर तो ये टोटल के इक्वल है तो यहां पर सम कर दो। सम हमें किसका करना है? इंस्टॉलमेंट का। इंस्टॉलमेंट के अंदर इस पीरियड का सम ले लो, और इस पीरियड तक ही अभी चलना है। तो मैं फर्स्ट वाले को यहां पर एब्सोल्यूट रेफरेंस के अंदर कन्वर्ट कर दूंगा। इसका ज्यादा यूजेस आपको पता चलेगा जब हम थर्ड लाइन के ऊपर आएंगे। मैंने सम को यहां पर क्लोज कर दिया। एक और इफ को शुरू करते हैं। इफ A22 इज इक्वल्स टू ब्लैंक, अगर ये ब्लैंक है तो इसको ब्लैंक ही छोड़ दो। अगर तो ये ब्लैंक है तो इसको ब्लैंक ही छोड़ दो, नहीं तो यहां पर PMT का फंक्शन इंप्लीमेंट कर दो। PMT के फंक्शन के अंदर सबसे पहली चीज दी गई है रेट। तो मेरे पास यहां पर रेट दिया गया है, इफेक्टिव रेट, दैट इज B14। F4 को मैंने प्रेस कर दिया। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट पैरामीटर है NPER, नंबर ऑफ पीरियड्स। तो नंबर ऑफ पीरियड्स मेरे पास यहां पर B6 है। इस B6 को भी F4 हमने प्रेस कर दिया। इसके बाद हमारे पास इंस्टॉलमेंट को के अंदर प्रेजेंट वैल्यू है। प्रेजेंट वैल्यू हमें दी गई है B1 के अंदर। मैं चाहता हूं कि ये वैल्यू पॉजिटिव आए, तो मैंने इस वैल्यू को नेगेटिव सिंबल लगा दिया। F4 मैंने प्रेस कर दिया। एंड नाउ फ्यूचर वैल्यू और टाइप ऑप्शनल है, तो मैं इसको इग्नोर कर रहा हूं। मैंने पेरेंथीसिस क्लोज कर दिया। सेकंड पेरेंथीसिस को मैं एंटर करता हूं। फर्स्ट पेरेंथीसिस PMT का था, सेकंड पेरेंथीसिस इफ फंक्शन का है, और ये थर्ड पेरेंथीसिस स्टार्ट वाले इफ का है। मैंने ये फंक्शन को कंप्लीट कर दिया। एंड आई प्रेस एंटर। मेरे पास इंस्टॉलमेंट का अमाउंट वही आ गया जो कि फर्स्ट टर्म के अंदर था। स्टूडेंट्स इसको समझिएगा, अगर तो A22 यहां पर टोटल लिखा है, अगर यहां पर टोटल लिखा है तो तुमने इंस्टॉलमेंट के केस के अंदर इन सब का सम करना है। और अगर यहां टोटल नहीं लिखा तो चेक करो क्या ये खाली है। अगर तो ये ब्लैंक है तो तुमने यहां पे ब्लैंक दे देना है। यहां ये ब्लैंक नहीं है तो यहां पर इसका मतलब ब्लैंक नहीं देना, तो हम एक्सेल ने ट्रू पार्ट को एग्जीक्यूट नहीं किया बल्कि फॉल्स पार्ट को एग्जीक्यूट कर दिया। क्योंकि A22 अगर ब्लैंक है तो ब्लैंक दे दो, यहां पर A22 ब्लैंक नहीं है। अगर ब्लैंक नहीं है तो फॉल्स पार्ट पे आ जाओ, और फॉल्स पार्ट हमें PMT का फंक्शन दे रहा है। तो यहां पर एक्सेल ने PMT को कैलकुलेट कर दिया। और इसके बाद मैं आ रहा हूं क्लोजिंग बैलेंस के ऊपर। इक्वल्स टू इफ A22 इज इक्वल्स टू टोटल, डबल कोट के अंदर टोटल कॉमा, अगर तो यहां पर टोटल लिखा हुआ है तो तुम सम कर दो। सम कर दो किसका? क्लोजिंग बैलेंस का। क्लोजिंग बैलेंस का सम शुरू करो और क्लोजिंग बैलेंस तक ही रुक जाना। यहां पर मैं फर्स्ट वाले E21 को एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग में कन्वर्ट कर दूंगा, और सेकंड रिलेटिव रेफरेंसिंग के अंदर रहेगा ताकि हम रनिंग टोटल को ले सकें। पेरेंथेसिस क्लोज। नाउ इफ A22 इज इक्वल्स टू ब्लैंक, अगर तो ये ब्लैंक है तो इसको ब्लैंक ही छोड़ दो।
नहीं तो यहां पर एक काम कर दो, ओपनिंग बैलेंस प्लस इंटरेस्ट ड्यू माइनस इंस्टॉलमेंट अमाउंट, पेरेंथिस क्लोज, सेकेंड पेरेंथिस क्लोज एंड आई प्रेस एंटर। आप देख रहे हैं कि हमारे पास यहां पर क्लोजिंग बैलेंस निकल कर आ गया। इस फंक्शन को स्टूडेंट समझिएगा, इफ A22 अगर इस जगह पर टोटल लिखा है तो यहां पर तो क्लोजिंग बैलेंस का सम कर दो, और अगर टोटल नहीं लिखा हुआ, जैसा कि टोटल नहीं लिखा हुआ, तो वो कह रहा है कि सेकंड इफ के अंदर आ जाओ। सेकंड इफ के अंदर हम आ गए फॉल्स कंडीशन को चेक करने के लिए, तो सबसे पहली बात ये देखी गई कि A22 क्या ब्लैंक है। A22 ब्लैंक नहीं है। जब ब्लैंक नहीं है तो फर्स्ट पार्ट जो कि ब्लैंक लिखना था उसने इग्नोर कर दिया और फॉल्स पार्ट के ऊपर आ गया, और फॉल्स पार्ट ये कहता है B22 प्लस C22 माइनस D22। मैंने एंटर प्रेस किया तो यहां पर मेरे पास टोटल आ गया, क्लोजिंग बैलेंस का टोटल आ गया। स्टूडेंट बहुत ध्यान से इसको नोट कीजिए, अगर तो यहां पर टोटल लिखा है तो यहां सम कर दो, और अगर टोटल नहीं लिखा तो ये देखो क्या यहां पे ब्लैंक है, अगर ब्लैंक है तो यहां पर भी ब्लैंक दे देना, अगर यहां ब्लैंक नहीं है तो इस जगह पर क्लोजिंग बैलेंस कर दो। इसके बाद मैंने इस लाइन को यहां पर ड्रैग किया तो ये मेरे पास 3 आ गया। मैंने इस लाइन को भी ड्रैग किया, मेरे पास सेकंड टर्म का क्लोजिंग बैलेंस थर्ड पीरियड के अंदर आ गया। मैंने सेकंड पीरियड के इंटरेस्ट को नीचे ड्रैग किया। स्टूडेंट मैं इसके ऊपर क्लिक कर रहा हूं, अब आप इसको एक बार फिर देखिएगा, A23, ये A23 है। अगर तो ये टोटल है तो सम कर दो, सम कहां से कहां कर दो, C21 से C22 तक, यानी कि ये C21 तो फिक्स हो गया, उसके बाद ये अब जुड़ते जाएंगे। जैसे जैसे हम नीचे जाएंगे, C21 से C22 हो गया, नीचे जाएंगे तो ये C23 हो जाएगा, फिर ये C24 हो जाएगा, यानी कि जितना हम नीचे चलते जाएंगे ये सब का सम करता जाएगा। इसको देखते हैं, इफ A23 इज इक्वल टू टोटल, क्या ये टोटल है? नो, ये टोटल नहीं है। अगर टोटल नहीं है तो यहां पे सम नहीं करना, ये सम वाला ट्रू पार्ट है, इसको नहीं करना, फॉल्स पार्ट पे आ जाओ। फॉल्स पार्ट के अंदर एक नया इफ शुरू हो जाता है और वो ये कहता है A23 क्या इसके अंदर डबल कोट है, ब्लैंक है? हम कहते हैं नहीं, ये डबल कोट भी नहीं है। जब ये डबल कोट नहीं है तो ट्रू वाली कंडीशन लागू नहीं होगी, तो फिर यहां पर क्या कर दो, IPMT का फंक्शन इंप्लीमेंट कर दो। आप देख रहे हैं कि सम के अंदर जो हमने पहला वेरिएबल लिया उसको हमने फिक्स कर दिया, दूसरा वेरिएबल को हमने रिलेटिव रेफरेंसिंग के लिए छोड़ दिया, ताकि जैसे जैसे नीचे ड्रैग करें ये सब का सम करता हुआ चले। ये रनिंग टोटल को कैलकुलेट करने के लिए लिया गया है। मैंने इंस्टॉलमेंट वाले भी सेल को ड्रैग कर दिया और मैंने क्लोजिंग बैलेंस वाले सेल को भी ड्रैग कर दिया। वैसे तो सेकेंड लाइन कंप्लीट हो गई थी, मैं वहीं से ड्रैग कर सकता था, लेकिन मुझे आपको ये सम वाला फंक्शन एक्सप्लेन करना था। मैं इसको 5 तक लेके आता हूं। जब मैं इसको 5 तक ड्रैग कर देता हूं तो आप देखिएगा कि 5 साल तक ईयरली पेमेंट करने के बाद हमारे पास इतना क्लोजिंग बैलेंस आता है। लेकिन क्वेश्चन के अंदर यह कहा गया है कि आपने क्वार्टरली पेमेंट करनी है। जब क्वार्टरली पेमेंट करनी है तो 20 पेमेंट हमने करनी है, तो मैं इसको 20 तक ड्रैग कर दूंगा। आप देख रहे हैं कि मैंने इसको 20 तक ड्रैग कर दिया और जैसे ही मैं 20 के नीचे लेके आया यहां पर इसने मुझे टोटल दे दिया। अगर मैं इसको नीचे ड्रैग करता हूं तो नीचे कोई भी वैल्यू नहीं आ रही। जब नीचे कोई भी वैल्यू नहीं आ रही तो मेरे पास कोई गार्बेज नहीं है। यह क्वेश्चन बिल्कुल परफेक्शन के अंदर हमारा चल रहा है। इस टोटल वाले को मैं थोड़ा सा शेड कर देता हूं ताकि क्लैरिटी रहे। स्टूडेंट प्लीज नोट कीजिएगा, 20th इंस्टॉलमेंट को पे करने के बाद ये अमाउंट 6,43,634 रुपीज 94 पैसा आ रहा है। इट मींस कि यही पैसा, यही अमाउंट हमारे सेकंड फेज के अंदर ओपनिंग बैलेंस बन जाएगा। लेकिन इससे पहले कि मैं सेकंड फेज पे मूव करूं, जिन जिन फंक्शंस को हमने यूज किया है मैं वो सारे फंक्शंस आपको पहले एक बारी यहां पर आपकी रेफरेंस के लिए दे देना चाहता हूं।
ताकि आपको उनको समझने के अंदर मुश्किल ना आए। मैंने ये सारे फंक्शन इकट्ठे लिख दिए और उसको आपके सामने प्रेजेंट कर दिया। आप देख सकते हैं कि ये सारे के सारे फंक्शंस हमने इंप्लीमेंट किए हैं। फर्स्ट लाइन के ऊपर जो फंक्शन इंप्लीमेंट किए हैं वो ये हैं। सेकंड लाइन के ऊपर गार्बेज क्लीनिंग के टाइम के ऊपर जो हमने फंक्शन इंप्लीमेंट किए हैं वो सारे के सारे ये हमारे पास हैं। ये आपके रेफरेंस के लिए हैं। किसी भी चीज को आप किसी भी टाइम के ऊपर रीचेक करना चाहें तो आप रीचेक किसे कर सकते हैं। क्योंकि मेरा सेकंड फेज दूर हो जाता है तो मैं इसको फिर कंडेंस कर दूंगा। जब ये क्वेश्चन कंप्लीट होगा तो एक बारी मैं फिर आपको इसको शो कर दूंगा। सो मैंने इन चीजों को कंडेंस कर दिया और अब मैं सेकंड फेज की तरफ मूव करूंगा। अब मैं स्टार्ट करूंगा लोन लीज स्टेटमेंट आफ्टर रीशेड्यूलिंग। यहां पर ये 20 क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट के बाद का पीरियड है और यहां पर मैं मैन्युअली एक बारी वन टाइप कर दूंगा। उसके बाद ओपनिंग बैलेंस, ये मेरा ओपनिंग बैलेंस मेरे लास्ट फेज के अंदर, फर्स्ट फेज के अंदर जो लास्ट अमाउंट था 6,43,634.94 था, मैं यहां पर इक्वल्स टू करके ये बैलेंस दे देता हूं। इक्वल्स टू सेल नंबर E14, दिस इज सेल नंबर E14। मैं एंटर प्रेस करता हूं तो मेरे पास यहां पर ओपनिंग बैलेंस आ गया। पर मैं यहां पर ओपनिंग बैलेंस इस तरह से नहीं लूंगा। मैं ओपनिंग बैलेंस को निकालने के लिए आपके साथ फ्यूचर वैल्यू का फंक्शन लूंगा, दैट इज FV। FV के अंदर सबसे पहला पैरामीटर है रेट। फ्यूचर वैल्यू को निकालने के लिए जो रेट मेरे को दिया गया है दैट इज गिवन इन B14। इसके बाद सेकेंड पैरामीटर है NPER, नंबर ऑफ पीरियड। नंबर ऑफ पीरियड इज B15। द नेक्स्ट पैरामीटर इज PMT। तो PMT मेरी इंस्टॉलमेंट का अमाउंट है। PMT मेरी इंस्टॉलमेंट का अमाउंट है, दैट इज गिवन इन D21। दैट इज गिवन टू मी इन D21। दिस इज द इंस्टॉलमेंट अमाउंट। ये PMT हमारा इंस्टॉलमेंट अमाउंट है, दैट इज D21। इसके बाद नेक्स्ट पैरामीटर है प्रेजेंट वैल्यू। क्योंकि मैं रिजल्ट पॉजिटिव चाहता हूं तो मैं नेगेटिव सिंबल को यहां पर यूज करूंगा और PV प्रेजेंट वैल्यू हमारे पास 10 लाख रुपीज है, दैट इज B1। पेरेंथेसिस क्लोज, आई प्रेस एंटर। मेरे पास यहां पर ओपनिंग बैलेंस निकल के आ गया। स्टूडेंट ध्यान देना, मैं यहां पर इसी सेल को कॉपी करूंगा। इक्वल्स टू द क्लोजिंग बैलेंस ऑफ द फर्स्ट फेज E14। तो मेरे पास एक अमाउंट आ गया 6,43,634.94। वही चीज मेरे पास FV फंक्शन के थ्रू आई। अब मैं ये E40 वाले सेल को यहां से रिमूव कर रहा हूं क्योंकि ये मुझे ज्यादा नीचे तक स्पेस नहीं है। तो मैं पहले पीरियडिसिटी को रिड्यूस करके एनुअल कर देता हूं। मैंने ये ईयरली पीरियडिसिटी को कर दिया ताकि 5 साल के अंदर आपको यहां पर रिजल्ट विजिबल हो जाए। इसके बाद इंटरेस्ट ड्यू। इंटरेस्ट ड्यू को कैलकुलेट करने के लिए मैं फंक्शन यूज करूंगा IPMT का। IPMT के केस के अंदर सबसे पहले हमें दिया गया है रेट। रेट इज गिवन टू अस इन F14। उसके बाद पर इज द पीरियड। किस पीरियड के लिए आप निकालना चाहते हैं, दैट इज H21। इसके बाद जो नेक्स्ट पैरामीटर है नंबर ऑफ पीरियड। नंबर ऑफ पीरियड मेरे पास दिए गए हैं 5, दैट इज F15 सेल नंबर। इसके बाद मुझे इंटरेस्ट के अंदर जो नेक्स्ट पैरामीटर दिया गया प्रेजेंट वैल्यू। यहां पर हमारे पास जो प्रेजेंट वैल्यू है वो ओपनिंग बैलेंस है।
अब सेकेंड फेज के अंदर तो यही ओपनिंग बैलेंस हमारे लिए प्रेजेंट वैल्यू हो गई। ये पॉजिटिव आए तो मैं यहां पर नेगेटिव सिंबल दे रहा हूं। आई क्लोज पेरेंथीसिस विदाउट टेकिंग केयर ऑफ फ्यूचर वैल्यू एंड टाइप, मैं यहां पर आईपीएमटी के अंदर पेरेंथीसिस को क्लोज कर रहा हूं। अगर मैं फ्यूचर वैल्यू भी दूं तो वो भी जीरो दूंगा, और उसके बाद जो हम पेमेंट करेंगे दैट इज एंड ऑफ द पीरियड, वो भी जीरो के अंदर है। अगर मैं नहीं भी लिखूंगा तो एक्सेल अपने आप यहां पर जीरो जीरो करके कैलकुलेट कर देगा। सो आई क्लोज द पेरेंथीसिस, आई प्रेस एंटर। जैसे ही मैंने इसको एंटर प्रेस किया, मेरे पास इंटरेस्ट ड्यू का अमाउंट निकल कर आ गया। इसके बाद मुझे इंस्टॉलमेंट के अमाउंट को कैलकुलेट करना है, तो इंस्टॉलमेंट के अमाउंट के लिए हमारे पास फंक्शन है पीएमटी। सबसे पहली चीज रेट, मुझे रेट दिया गया है इंस्टॉलमेंट के अमाउंट के अंदर F14, दिस इज द रेट गिवन टू अस। NPER, दिस इज NPER। देन प्रेजेंट वैल्यू दैट इज PV। प्रेजेंट वैल्यू मेरे पास दी गई है ओपनिंग बैलेंस I21 के अंदर। मैं इसको पॉजिटिव में लेके आना चाहता हूं, तो यहां पर मैंने नेगेटिव सिंबल को दे दिया। फ्यूचर वैल्यू जीरो हो जाए और एंड ऑफ द पीरियड के अंदर हम पे करेंगे वन मोर जीरो। पेरेंथीसिस क्लोज, आई प्रेस एंटर। जैसे ही मैंने एंटर प्रेस किया, मेरे पास इंस्टॉलमेंट का अमाउंट निकल कर आ गया। यहां पर मुझे क्लोजिंग बैलेंस को लेना है, तो इक्वल्स टू ओपनिंग बैलेंस प्लस इंटरेस्ट ड्यू माइनस इंस्टॉलमेंट अमाउंट। आई प्रेस एंटर। मेरे पास सेकेंड फेज के अंदर क्लोजिंग बैलेंस फर्स्ट टर्म कहा गया 5,38,209.16। हमारी यहां पर फर्स्ट लाइन कंप्लीट हो जाती है। अब मैं सेकेंड लाइन से गार्बेज क्लीनिंग को स्टार्ट करूंगा। तो गार्बेज क्लीनिंग को शुरू करने के लिए मैं पीरियड के सेल के अंदर क्लिक करता हूं और यहां पर इफ फंक्शन देता हूं। इफ H21 इज इक्वल्स टू F50, इसको हमने फिक्स कर दिया, कॉमा। अगर तो ये उसके बराबर है तो यहां पर टोटल लिख दो, नहीं तो इफ H21 इज लेस देन F15, अगर तो ये उससे कम है, H21 की वैल्यू के अंदर एक प्लस कर दो, नहीं तो इसको ब्लैंक छोड़ दो। स्टूडेंट ध्यान से नोट कीजिएगा, इफ S21 इज इक्वल टू F15, क्या 1 5 के बराबर है? आंसर इज नो, फॉल्स है ये। तो जब फॉल्स है तो ट्रू पार्ट को एग्जीक्यूट, टोटल वाले पार्ट को एग्जीक्यूट नहीं करेगा, ये फॉल्स पार्ट के अंदर आ जाएगा और फॉल्स पार्ट के अंदर एक नया इफ शुरू हो जाता है। इस नए इफ के अंदर वो फिर चेक करेगा S21 क्या ये 1 5 से कम है। यस, 1 5 से कम है। अगर तो ये ट्रू है, जो कि हमारे केस में ट्रू है, तो H21 की वैल्यू के अंदर 1 ऐड कर दो। H21 के अंदर वैल्यू है 1 की, तो H21 प्लस 1 कर दो, 1 की वैल्यू के अंदर 1 ऐड कर दो। मैं सेकेंड पेरेंथीसिस को क्लोज कर रहा हूं। आई प्रेस एंटर। आप देख रहे हैं कि यहां पर वैल्यू 2 आ गई। H21 15 के बराबर नहीं है, तो सेकेंड इफ में आ जाओ। 15 से छोटा है, ट्रू है, तो ट्रू वाले पार्ट को, फर्स्ट वाले पार्ट को एग्जीक्यूट कर दो, और फर्स्ट पार्ट ये कह रहा है H21 प्लस 1, नहीं तो इसको ब्लैंक छोड़ दो। क्योंकि ये ट्रू है तो यहां पर तो ब्लैंक छोड़ने का मतलब ही नहीं उठता, तो 1 के साथ 1 ऐड हो गया। अब मुझे यहां पर ओपनिंग बैलेंस को कैलकुलेट करना है। इक्वल्स टू इफ H22 इज इक्वल्स टू टोटल, अगर तो यहां पर टोटल दिया हुआ है तो सम का फंक्शन को इंप्लीमेंट कर दो। पहले वाले I21 को हमने फिक्स कर दिया, पेरेंथिसिस क्लोज। इफ H22 इज इक्वल्स टू ब्लैंक, तो इसको ब्लैंक ही छोड़ दो, नहीं तो यहां पर
L21 दे दो, फर्स्ट पेरेंथीसिस क्लोज, सेकंड पेरेंथीसिस क्लोज, आई प्रेस एंटर। स्टूडेंट इसको नोट कीजिएगा, इफ S22 इज टोटल, अगर तो यहां टोटल लिखा है तो यहां पर ओपनिंग बैलेंस का सम कर दो, यहां पर टोटल नहीं लिखा तो ये सम नहीं होगा, ये ट्रू पार्ट एग्जीक्यूट नहीं होगा, फॉल्स पार्ट के अंदर आ जाओ। फॉल्स पार्ट के अंदर एक नया इफ शुरू हो गया, तो चेक करो क्या यहां पर ब्लैंक है, यहां पर ब्लैंक भी नहीं है, अगर ब्लैंक नहीं है तो फॉल्स पार्ट पे आ जाओ। फॉल्स पार्ट कह रहा है L21 की वैल्यू दे दो, तो यहां से क्लोजिंग बैलेंस की वैल्यू हमारी सेकेंड टर्म के अंदर ओपनिंग बैलेंस बन गई। आई प्रेस एंटर। अब मुझे गार्बेज क्लीनिंग को इंप्लीमेंट करना है इंटरेस्ट ड्यू के ऊपर, तो मैं यहां पर फंक्शन लगा रहा हूं इफ का, इफ S22 इज इक्वल्स टू टोटल, अगर तो यहां पर टोटल लिखा है तो यहां पर इंटरेस्ट का सम कर दो, J21 to J21, पहले वाले J21 को हमने एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग के अंदर कन्वर्ट करना है, मैंने F4 को प्रेस कर दिया, अगर तो यहां टोटल लिखा है तो इंटरेस्ट का यहां पर सम कर दो, नहीं तो चेक करो इफ S22 इज इक्वल्स टू ब्लैंक, अगर तो ये ब्लैंक है तो ब्लैंक ही छोड़ दो, नहीं तो यहां पर IPMT का फंक्शन इंप्लीमेंट कर दो। IPMT के फंक्शन के अंदर सबसे पहला पैरामीटर है रेट, हम इसको फिक्स करते हुए चलेंगे, कॉमा, द नेक्स्ट इज पर, क्योंकि ये चेंज होगा तो इसको रिलेटिव रेफरेंसिंग में छोड़ देंगे, NPER नंबर ऑफ पीरियड इसको भी हम फिक्स कर देंगे। इसके बाद प्रेजेंट वैल्यू, इस केस के अंदर हमारे पास जो प्रेजेंट वैल्यू है दैट इज द ओपनिंग बैलेंस, हमने इसको भी फिक्स कर दिया। इसके बाद मैं फ्यूचर वैल्यू और टाइप को इग्नोर कर रहा हूं और मैंने IPMT को क्लोज कर दिया, सेकेंड पेरेंथिसिस क्लोज, एंड नाउ आई एम गोइंग टू क्लोज द फाइनल पेरेंथिसिस, आई प्रेस एंटर। क्योंकि ये फिगर मेरे पास नेगेटिव आ रही है तो मैं यहां पर फंक्शन के अंदर इस प्रेजेंट वैल्यू को नेगेटिव सिंबल दे देता हूं ताकि मेरे पास वैल्यू पॉजिटिव आए, आप देख रहे हैं कि ये वैल्यू पॉजिटिव हो गई। इसके बाद मुझे यहां पर इंस्टॉलमेंट के अंदर गार्बेज क्लीनिंग को इंप्लीमेंट करना है, तो मैं वही चीजें दोबारा से चेक करूंगा, इफ S22 इज इक्वल्स टू टोटल, अगर तो यहां पर टोटल लिखा है तो सम कर दो, सम इंस्टॉलमेंट का यहां से शुरू करो, और पहली बारी तो ये यहीं पर ही रुक जाएगा, मैं यहां पर फर्स्ट वाले K21 को एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग के लिए F4 प्रेस कर दिया, पेरेंथेसिस क्लोज, अगर तो यहां पर टोटल लिखा है तो सम कर दो, अगर टोटल नहीं लिखा तो चेक करो इफ S22 इज इक्वल्स टू ब्लैंक, तो यहां पर ब्लैंक ही रहने दो, नहीं तो PMT के फंक्शन को इंप्लीमेंट कर दो। PMT के फंक्शन के अंदर पहला पैरामीटर है रेट, हम इसको फिक्स करते हुए चलेंगे, NPER इसको भी फिक्स कर दिया, प्रेजेंट वैल्यू दिस वन I21 इसको भी हमने फिक्स कर दिया, ओके, आई क्लोज पेरेंथिसिस, मैं फ्यूचर वैल्यू टाइप अज्यूम करके चल रहा हूं कि ये 00 होंगे और एक्सेल भी कुछ ना दिया जाए तो 00 मानता है, मैं यहां पर पेरेंथिसिस क्लोज, फर्स्ट पेरेंथिसिस क्लोज, सेकंड पेरेंथिसिस क्लोज, आई क्लोज द फाइनल पेरेंथिसिस, आई प्रेस एंटर। मेरे पास यहां पर ये वैल्यू निकल के आ गई, पर आप देख रहे हैं कि अगेन ये वैल्यू नेगेटिव के अंदर है, तो मैं प्रेजेंट वैल्यू को यहां पर नेगेटिव सिंबल दे देता हूं एंड आई प्रेस एंटर। आप देख रहे हैं कि ये नेगेटिव वैल्यू पॉजिटिव के अंदर कन्वर्ट हो गई। अब हमें लास्ट गार्बेज क्लीनिंग को करना है, इफ S22 इज इक्वल टू डबल कोट के अंदर टोटल,
अगर तो ये टोटल है तो यहां पर इसका सम कर दो। L21 to L21, पेरेंथिसिस क्लोज, नहीं तो चेक करो इफ S22 इज ब्लैंक। अगर तो ये ब्लैंक है तो इसको ब्लैंक ही छोड़ दो, नहीं तो यहां पर क्लोजिंग बैलेंस निकालो, दैट इज ओपनिंग बैलेंस प्लस इंटरेस्ट ड्यू माइनस इंस्टॉलमेंट अमाउंट। पेरेंथिसिस क्लोज, सेकेंड एंड फाइनल पेरेंथिसिस क्लोज, आई प्रेस एंटर। मेरे पास यहां पर सेकेंड लाइन के अंदर क्लोजिंग बैलेंस आ गया 422,240.80। मैंने ये सेकेंड लाइन को पूरी को सिलेक्ट किया क्योंकि गार्बेज क्लीनिंग अब हमारी कंप्लीट हो चुकी है। मैं इसको नीचे ड्रैग डाउन करता हूं तो आप देख रहे हैं कि 5 साल के बाद यहां पर हमारे पास ऑटोमेटिकली ये टोटल आ गया और 5वें साल क्लोजिंग बैलेंस 0 हो गया। मैं यहां पर रीशेड्यूलिंग फेज के अंदर, फेज 2 के अंदर मैं अब पीरियडिसिटी को चेंज करूंगा। अभी तक मैंने ईयरली रखी थी, अब मैं इसको हाफ ईयरली कर देता हूं। जैसे ही मैं इसको हाफ ईयरली करूंगा तो मैं इसके अंदर 10 इंस्टॉलमेंट तक चलूंगा। 10 इंस्टॉलमेंट के बाद ये अमाउंट 0 हो गया और उसके बाद ये टोटल आ गया। मैं इस हाफ ईयरली को अब क्वार्टरली के अंदर कन्वर्ट कर रहा हूं। इसको मैं नीचे ड्रैग डाउन कर दूंगा। आप देखें कि क्वार्टरली के अंदर हमारे पास 20 इंस्टॉलमेंट बन गई और ये अमाउंट 0 आ गया और टोटल भी हमारे को साथ साथ मिल रहा है। मैं इस क्वार्टरली को अब मंथली के अंदर कन्वर्ट कर रहा हूं। आप देख रहे हैं कि 5 साल के अंदर 60 मंथ्स बनते हैं, 60 मंथ्स के बाद यह अमाउंट जाके बिल्कुल 0 हो गया। हमारे पास इन सब के टोटल भी नीचे आ रहे हैं। हमारे क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट ये थी, फर्स्ट फेज के अंदर पहले 5 साल क्वार्टरली पेमेंट होगी और उसके बाद जो बोरोअर है वो अपनी पीरियडिसिटी को चेंज कर सकता है। तो पहले फेज के अंदर तो हमने क्वार्टरली के थ्रू 20 इंस्टॉलमेंट कर दी और सेकेंड फेज के अंदर अब चाहे तो बोरोअर जिस मर्जी पीरियडिसिटी को चूज कर सकता है। अगर उसने ईयरली पीरियडिसिटी को चूज किया तो आप देख रहे हैं कि 5 साल के बाद यह अमाउंट 0 हो गया और अभी जो नीचे सारी फिगर्स थी वो भी सब हट गई। अगर बोरोअर कोई और पीरियडिसिटी को भी चाहता है तो वो यहां से हम इमीडिएटली इंप्लीमेंट कर सकते हैं। जो हमारे पास टोटल की रिक्वायरमेंट थी कि टोटल भी आना चाहिए, वो टोटल की रिक्वायरमेंट भी ऑटोमेटिकली फुलफिल हो रही है। इट मीन्स हमने इस क्वेश्चन को प्रॉपरली सॉल्व कर लिया। हमारे पास ये फिगर्स दी गई थी, उसके बेस के ऊपर हमने बिफोर रीशेड्यूलिंग की लोन लीज स्टेटमेंट को बनाया और उसके बाद आफ्टर रीशेड्यूलिंग की लोन लीज स्टेटमेंट को बनाया। इस सेकेंड फेज के अंदर हमने जिन जिन फंक्शंस को यूज किया है, मैं उन सारे फंक्शंस को आपके सामने यहां पर लिख के दे देता हूं। हमने इन फंक्शंस को यहां पर यूज किया है। आप इन फंक्शंस के जरिए कहीं पर भी किसी भी चीज को दोबारा से चेक या रीचेक कर सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। यस, आई एग्री, दिस इज वेरी लेंथी क्वेश्चन और पेपर के अंदर अगर स्टूडेंट से पूछ लिया जाए तो वही स्टूडेंट कर पाएगा जो एक इंटेलिजेंट स्टूडेंट है। जिस स्टूडेंट की बहुत प्रैक्टिस है, उसने इस क्वेश्चन को 3-4 बारी किया है,
वो स्टूडेंट इसको इजीली हैंडल कर सकता है, बट दिस इज नॉट इम्पॉसिबल। स्टूडेंट जरूर कोशिश कीजिएगा और इस क्वेश्चन को 3-4 बारी आप अपने लेवल पे करेंगे तो ये आपको क्लियर हो जाएगा। मैं इसको रिड्यूस डाउन कर रहा हूं ताकि ये पूरा क्वेश्चन आपको यहां पर शीट के ऊपर अवेलेबल हो जाए। मैं इनको भी आपके सामने इन फंक्शंस को दे रहा हूं। ये यहां पर हमारे सामने पूरा का पूरा क्वेश्चन आ गया। नाउ दिस इज द फुल लेंथ क्वेश्चन। टोटल यहां से हट गए हैं, उसके लिए मुझे इनकी विड्थ को इंक्रीज करना पड़ेगा। नाउ दिस इज द फुल लेंथ क्वेश्चन। थैंक यू वेरी मच।